अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल बना हुआ है, जिसकी तैयारियां और निमंत्रण को लेकर बैठक में रूपरेखाएं बनाई जा रही है। पानसेमल नगर के जलगोन रोड स्थित सेवा भारती कार्यालय पर बुधवार को पानसेमल खंड के 9 मंडलों 4 बस्तियों के विस्तारकों की बैठक हुई और राम जन्मभूमि महोत्सव में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण की योजना बनाई गई है। उनके द्वारा मंडल के ग्रामों बस्तियों के घरों में जाकर पत्रक और अक्षत देकर निमंत्रण दिया जाएगा। जानकारी में श्याम गोरी ने कहा कि देश भर में महोत्सव को लेकर ग्राम मोहल्ले और घर घर संपर्क किया जाएगा। हजारों कार्यकर्ता अपने घर से दूर गांव और मोहल्ले में जागरूकता फैलाएंगे। उल्लेखनीय है कि भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को उत्साह के साथ दीपावली की तरह मनाया जाए, इसको लेकर भी योजनाएं बनाई गई है। साथ ही अपने घर पर साज सज्जा कर दीपक लगाकर घर के आंगन में रंगोली बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में विस्तारक श्याम गोरी, बंशाराम आर्य, विभाग जिला, खंड मंडल और बस्ती के पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारा ये जो श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके अंतर्गत पूरे देश भर में जो इतने भव्य रूप में जो हमारे सामने श्री रामलला का मंदिर बनने वाला है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा को लेके प्रत्येक घर से उनको अक्षत चावल के रूप में हम निमंत्रण देने वाले हैं। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से पवित्र अक्षत जो हमारे पास में आए हैं, उन अक्षत कलशों को जिस प्रकार से हमारे जब इसका योजना बनी थी कि किस तरह से राम जी का मंदिर निर्माण होगा, तो प्रत्येक घर से हमने समर्पण राशि ली थी, उसी तरह से इस भव्य भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रत्येक घर को अक्षत पीले जो चावल आए हैं उनको प्रत्येक घर तक पहुंचाने के लिए ये सब योजनाएं बनी है। एक राम जी का चित्र है जिसको उसी समय हम जहाँ निमंत्रण देने जाएंगे उनको प्रदान किया जाएगा और उनको अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है इसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उसकी आज हमारे यहाँ मंडल स्तर पर बैठकें जारी है। हमारे स्वयंसेवक सभी जगह जाकर इस कार्यक्रम को संपादित करने वाले हैं और जन जागरण का यह विशाल जो कार्यक्रम है, इस 22 जनवरी को जो भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण समारोह है उसमें सभी की भागीदारी बने, इस हेतु ये कार्यक्रम है।